अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर सऊदी अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। आप सभी को पता है कि सऊदी अरब ने 20 ममालिक पर पाबंदी आयद की थी, जिसमें उसने 11 मुल्कों का ग्रुप बनाकर उन पर पाबंदी हटा दी थी, और जो 9 ममालिक रह गए थे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन है, वैसे पाकिस्तान में जो 4 वैक्सीन है उनमें से एक वैक्सीन जो चाइना की है वो इम्प्रूव है, पाकिस्तान में इम्प्रूव है, और अभी तक सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अभी तक वो इम्प्रूव नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो अल्ट्राजेनिका वैक्सीन नाम की वैक्सीन है जो चाइना की है वो अभी तक पाकिस्तान में इम्प्रूव है, और वो जो वैक्सीन है वो 40 साल से ज़्यादा अफराद को लगाई जाती है। पर वैक्सीन में मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सऊदी जाना चाहते अफराद मुसाफिर हाजी और दूसरे जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं जो सऊदी जाना चाहते हैं उनकी तादाद जो है 40 साल से कम उम्र की है। अब जो सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहता है कि पाकिस्तान में अब जो तीसरी लहर आई थी उसमें उसलिए वो अभी तक कोई बयान नहीं आया, और पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा है कि आप सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा किया है कि आप जाएं चाइना जाएं और इस वैक्सीन की जांच पड़ताल करें और देखें कि ये इम्प्रूव हो सकती है, उसके बाद ही हमारा कोई बयान आएगा। और बिलावल अकबर का ट्वीट, उसने ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तानियों को सहारा दिया है कि सऊदी फ्लैट के लिए पाकिस्तान की फ्लैट जल्द खुलने वाली है, और हमने अपील की है कि एक कमेटी बुलाई जाए और उसमें ये मामला तय कर दिया जाए कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन है अल्ट्राजेनिका उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाए सऊदी की तरफ से। उस पर सऊदी ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ का कहना है कि जब तक हम पाकिस्तान में प्रूफ शुदा वैक्सीन की जांच पड़ताल नहीं करेंगे उस वक्त कोई फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बन सकता है, तो हम पहले उसकी जो पाकिस्तान में चाइना वैक्सीन है चाइना की अल्ट्राजेनिका जो 40 साल से ज़्यादा अफराद को लगाई जाती है तो उसकी 2 डोज लेंगे, उसके बाद ही पाकिस्तान से आप सऊदी से जा सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट थी। अगर दूसरी बार कोई अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पर वक्त पहुंचती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलूंगा एक दूसरी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।